मध्य प्रदेश में मोहन यादव के कमान संभालते ही मोहन यादव घिरे मुश्किलों में, मची अफरा तफरी। आपको बता दें, महाकाल नगरी उज्जैन से आने वाले मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनके लिए एमपी संभालना इतना भी आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें राज्य की वित्तीय, राजनीतिक और प्रशासनिक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है मोहन यादव को। आपको बता दें, 3 बार के विधायक मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। उनकी पहली प्राथमिकता ये होगी कि मंत्रिमंडल में 163 सीटों पर बड़ी जीत दिलाने वाले विधायकों में से किन किन को मंत्री पद सौंपा जाए। प्रदेश में बीजेपी की ओर से मोहन यादव से ज्यादा वरिष्ठ नेता चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं। इनमें 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नाम शामिल है। ऐसे में मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि दिग्गज नेताओं को बिना नाराज किए उनके राजनीतिक कद के हिसाब से उन्हें जिम्मेदारी देना होगा, ताकि कोई नेता नाराज न हो सके। इसी के साथ चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने के लिए एक के बाद एक कई वादे किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना ने पार्टी को भारी बहुमत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इस योजना के तहत प्रदेश के 1,25,00,000 महिलाओं को प्रतिमाह 1,250 रूपए उनके अकाउंट में दिए जा रहे हैं। ऐसा करने से मध्य प्रदेश सरकार को एक साल में लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, जो कि यह भी मोहन यादव के लिए बड़ी चुनौती है कि क्या वो आगे लाडली बहना योजना रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसी के साथ सरकार की मुश्किलें तब भी बढ़ेंगी जब वो बोनस के साथ एमएसपी के तहत धान या गेहूं को खरीदना शुरू करेगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले जब डॉक्टर मोहन यादव से यह सवाल किया गया कि क्या वे पहले से चली आ रही कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेंगे, इस पर मोहन यादव ने कहा कि वे सभी योजनाओं की जांच करेंगे, यदि योजना अच्छी लगी तो वे उस पर विचार करेंगे। फिलहाल ये असमंजस की स्थिति सामने आ रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।